माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाख जय राधेश्याम जय ललिता विशाख जय राधेश्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जी की जाओ विष्णुपाद परमहंस प्रजाचार्य अष्टोत्तर शत
श्रीमद एसी भक्ति विदान स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रजाचार्य अष्टत्रस्त श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्री प्रभुपाद जी की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम सिखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुन राधा कुन गिरी गोवर्धन धाम की, श्री वृंदावन मथुरा धाम की, श्री माया पूर्णवदीप धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री गंगा माई यमुना माई की, श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की, श्री श्री गौर निताय की, शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गुरु। ओम अज्ञानम तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभयस्य कृपा सिंधुभेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं धर्मात्मा प्रभु और सर्व कृष्ण बलराम मंदिर के मैनेजमेंट के आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज आप सर्व समक्ष श्रील प्रभुपाद लीलामृत का पठन करने का अवसर दिया है। जैसे ये टाइटल में बताया गया है श्रील प्रभुपाद लीला अमृतम चैतन्य चरितामृतम, ऐसे काफ़ी अमृत है जिसके पान करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 9 वृंदावन का एक निवासी। लास्ट संडे आप जी अब में से जो भी हाजिर होंगे उसमें उन्होंने पहला श्री प्रभुपाद जी ने कविता लिखी थी उसमें से पहली पंक्ति उन्होंने पढ़ी थी और आज से दूसरी से शुरू करना है, लेकिन आप सर्व की आज्ञा से
मैं पहले ही फिर से दोबारा पढ़ूंगा ताकि कंटिन्यूस में आ जाए। अभय ने एक बंगाली कविता लिखी, वृंदावन भजन। उसके प्रारंभिक पद विशेष रूप से आत्म विवेचक और व्यक्तिगत थे। पहली पंक्ति में, मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ, इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियाँ हो रही है। मेरी पत्नी, लड़के, लड़कियाँ, पोते सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव है। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप का बोध करा दिया है। उनके बल से आज यह सब मेरे लिए स्वाधीन हो गया है। यस्याम् अनुग्रहणामि करिष्ये तद् धनं शनैः। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। सर्व कृपा मैं भी कि इस कृपा का बोध मुझे किस प्रकार हुआ। दूसरी पंक्ति में शिल्पा जी कहते हैं, हर एक ने मेरा त्याग कर दिया है। मुझे धन विहीन देखकर पत्नी, संबंधी, मित्र, भाई, हर एक ने यह दुर्गति है, लेकिन इस पर मुझे हंसी आ रही है। मैं अकेला बैठता हूँ और हंसता हूँ। इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किससे प्रेम करता हूँ? मेरे प्रिय माता पिता अब कहाँ चल गए हैं, और कहाँ गए हैं मेरे सभी पूर्वज जो मेरे अपने ही लोग थे? मुझे उनका समाचार कौन देगा? बताओ कौन? और इस पारिवारिक जीवन का जो कुछ शेष रह गया है वह एक नामावली मात्र है। तो इस पंक्ति में श्री प्रभुपाद जी अपने हृदय के अंतर्गत जो उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है वो हमारे साथ हमको समझाने के लिए प्रकट करते हैं। वैसे इसमें खास तौर से बताया गया है कि मेरे प्रिय माता पिता अब कहाँ चले गए हैं, तो ये शब्द है या ये लाइन है, पंक्ति है, उसमें देखे जाए तो उनको अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम था। क्यों? क्योंकि श्रीमान गौर मोहन डे जिन्होंने बचपन से श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति में कैसे आगे बढ़े उसकी सब प्रार्थना की और उनका उनकी जो भी इच्छाएं थे उनका समर्थन किया। उनको मृदंग बजाना सिखाया, उनको श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए कार्ड बना कर दिया, हर रोज उनको उनके घर के पास जो राधा गोविंद जी का मंदिर था उसमें ले जाते थे। तो बचपन से उनको संस्कार की पूर्ति की थी। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, गुरु न शिष्यात् पितृ न शिष्यात्। किसी को भी गुरु बनना नहीं चाहिए जो अपने शिष्य को भगवान के साथ संबंध बना के उनके पास नहीं ले जा सके। पितृ न शिष्यात्, किसी को पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने बालक को, अपने बच्चों को भगवान के साथ संबंध बना के उनको दे, क्योंकि शुरू में तो माता पिता ही सबके गुरु होते हैं, वो ही हमको सिखाते हैं। श्री प्रभुपाद इतने भाग्यशाली थे कि बचपन से उनको कृष्ण भावना का संपूर्ण वातावरण मिला था।
तो श्रील प्रभुपाद वैसे हम देखें तो अभी जो हम हमारे सामने यहाँ है उनकी ये जो सब बनाई हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कृष्ण भावना संस्था, इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट जो उन्होंने प्रस्थापित की वो देखे और उनकी ये शुरुआत की समय की शुरुआत के समय की परिस्थिति देखे तो हम समझ नहीं पाते कि कैसे हो सकता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं धन विहीन हूँ, उनके पास वो बोल रहे हैं कि मुझे मेरे पास कुछ धन नहीं था। तो ये इतना सारा कारोबार पूरे विश्व में, कितने मंदिर है अभी 850, वैसे देखने जाए छोटे छोटे जो शहरों में जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट सेंटर बोले, वैसे गिने तो 1000 के ऊपर है टोटल। जहां कोई भी जाके भगवान की भक्ति का अनुभव कर सकता है। तो पूरे बड़े बड़े विश्व में पूरे बड़े बड़े शहरों में उन्होंने मंदिर प्रस्थापित किया। तो ये कैसे हुआ, कोई सामान्य व्यक्ति तो ये कर नहीं सकता। तो ये समझने के लिए पहले सबसे पहले हमको क्या समझना है, जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में, क्या हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा, सबसे बड़ी कृपा क्या है हम सबके लिए, आज अभी हम यहां बैठे हैं और एक भगवान की भक्त की के जीवन का चरित्र रूप अमृत का पान कर रहे हैं, जिससे हमारे हृदय में कृष्ण भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट हो जाएगी। ये भगवान के भक्त की जीवन की कथा का पान करने से क्या होता है, हमारा संशय जो भी है वो निर्मूल हो जाता है। वैसे देखने जाए तो श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान और भगवान के भक्त के एक दूसरे का आदान प्रदान, उनके जीवन में उनकी लीलाएं और भगवान और भगवान के भक्त के बीच में जो संवाद होते हैं वो है श्रीमद् भागवतम। सेम भगवद गीता भी क्या है, भगवान के प्रिय भक्त अर्जुन और कृष्ण के बीच में प्रश्न और उत्तर है। चैतन्य चरितामृत क्या है, जैसे श्रीमद् भागवतम में वैसा का वैसा चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच में जो परस्परस प्रेम का संबंध था उसका वर्णन है। तो श्री प्रभुपाद जी उन्होंने हम सबके ऊपर ये कृपा की कि आज श्री वृंदावन धाम में हम भगवान के परम भक्त के जीवन की लीला का पठन और श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी भगवान के परम भक्त थे, आप सब में से कितने एग्री होते हैं, सबने अनुभव किया है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने बताया था कि मैं हमेशा आपके साथ या तो वाणी के स्वरूप में जो उनके शब्द जो उन्होंने लिखे हैं जो उन्होंने बोले हैं उसके स्वरूप में रहूंगा या वपु के स्वरूप में रहूंगा। क्योंकि वह भगवान के परम भक्त थे, हमको आज की तारीख में भी दोनों सेवा
प्रभुपाद जी की वाणी सेवा और वपु सेवा दोनों करने का अवसर प्राप्त है। कैसे, किसी को मालूम है? हम उनकी वाणी की सेवा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पढ़कर, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़कर, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैत। आप में से किसके पास श्रीमद् भगवद गीता है, किसके पास नहीं है? सबके पास है, सब भाग्यशाली हैं। किसके पास श्रीमद् भागवतम है, किसके पास नहीं है? एक, दो, तीन, चार। तो हम आज प्रार्थना करेंगे, आज कोशिश करो, दिल में प्रार्थना करो कि मेरे पास श्रीमद् भागवतम आ जाए, और हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की उसमें। तो ये श्रील प्रभुपाद का सबसे कृपामय हमारे लिए गिफ्ट है। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सब किताबें, 80 जैसी किताबें उन्होंने ट्रांसलेट की। ये उनका सबसे महान आशीर्वाद है हम सबके लिए, क्योंकि ये पढ़ने से हम प्रभुपाद जी की वाणी सेवा तो करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को भी प्रसन्न करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कैसे कि प्रभुपाद जी की लिखी हुई किताबें पढ़ने से प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं। आज की तारीख में भी प्रभुपाद जी के क्वार्टर में, उनके घर में, यहाँ कृष्ण बुक पढ़ी जाती है उनके सामने। क्यों पढ़ी जाती है, किसी को मालूम है? प्रभुपाद जी की प्रसन्नता काले, सही आंसर है, लेकिन वो कैसे प्रसन्न होगी, उन्होंने तो खुद ने लिखी थी। हाँ, वो उनको ये कृष्ण बुक इतनी पसंद थी कि वो बार बार खुद पढ़ते थे और अपने अनुयायियों को बोलते थे कि मेरे सामने पढ़ो। तो आज भी हम भी खुद डिट्रॉइट में जब भी चांस मिले तो हम प्रभुपाद जी के सामने बैठकर, व्यासासन पे बैठे हैं मंदिर में, उनके सामने बैठकर हम सब पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि तो उनका उन्होंने आदेश दिया था और हमें मालूम है वो प्रसन्न होते हैं। तो आज की तारीख में भी जैसे मंदिर में आप जाओ तो सब भक्त लोग एंटर भगवान मंदिर में आते ही प्रभुपाद जी को प्रणाम क्यों करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी वहां प्रकट है। किस स्वरूप में? डीटी स्वरूप में। मंदिर में जो सिंहासन पर विराजमान है वो प्रभुपाद जी खुद वहां प्रकट है। किसी को इसमें डाउट है? नहीं। क्यों? हम उनके हर रोज सुबह में पुजारी उनकी सेवा करते हैं, उनको गुरु पूजा ऑफर करते हैं, सब भक्त मिलके उनको फ्लावर अर्पण करते हैं, माला, फूलों की माला अर्पण करते हैं। ये माताजी लोग का भाग्य कितना उच्च है कि हर रोज भगवान और भगवान के परम भक्त श्री प्रभुपाद जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो अल्टर पे हैं उनके लिए माला बनाते हैं। और कृष्ण भगवान ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी भगवान को फूल अर्पण करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो हम ये प्रूफ है कि वहाँ खाली एक मूर्ति नहीं है, डीटी स्वरूप है, कि जहाँ स्वयं हम जाके उनकी सेवा कर सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी की वाणी और वपू सेवा इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने खुद ने दी। फिर अलग अलग प्रकार की सेवा में जिसकी भी जहाँ रुचि हो वो कर सकते हैं। जैसे है कीर्तन, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक का वितरण, फिर डीटी वर्शिप, भगवान के स्वरूप का पूजन करना, फिर प्रचार करना, जाके लोगों को प्रार्थना करना कि ये भगवान का संदेश जो भगवद गीता या भागवतम के रूप में है आप ग्रहण कीजिए, प्रसाद का वितरण करना, रोज हजारों कप प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटी जाती है, तो ये सब अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रभुपाद जी ने हमको दी है। तो हरेक की इच्छा के अनुसार, उनकी लाइकिंग के अनुसार, उनको जो पसंद है उसके अनुसार हम भाग ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे इजी, सबसे सरल कौन सी सेवा है मालूम है किसी को? जप करना तो बहुत मुश्किल है, मन भागता रहता है। आप जाके यहाँ पांच लोगों को पूछो कि आप जप करो तो क्या बोलेंगे? पांच में से शायद एक आपकी बात सुनेगा। तो जप करना तो काफी मुश्किल है। हाँ, आप किसी को भी कृष्ण बलराम जी का प्रसाद हाथ में दे दो डिब्बा, कभी मना नहीं करेंगे, खुश हो जाएंगे। और प्रसाद का प्राप्त करना वो भी एक सेवा में माना गया है। तो इतनी सरलता से प्रभुपाद जी खूब शुरू शुरू में न्यूयॉर्क में सेकंड एवेन्यू में खुद पूरी रात प्रसाद बनाते थे, गुलाब जामुन बनाते थे, और सुबह में जो भी लोग आते हैं उनको खिलाते थे, बैठकर खिलाते थे। वैसे ये सब भक्त हुए हैं। तो वैसे देखने जाए तो प्रसाद बहुत सरल उपाय है किसी को भी भक्त बनाना। दूसरा हमको मालूम क्या है कि मनु संहिता में बताया गया है कि अगर आप को किसी ने पानी का एक ग्लास दिया हो और आपने पानी पिया हो तो आपके ऊपर उसका ऋण हो जाता है। हाँ? क्या ऋण होता है? आपको कभी न कभी उनको वापस पानी पिलाना पड़ेगा। ये कर्म का कायदा है, यहां कुछ भी ऐसे ही नहीं जाता। तो अगर किसी को आपने बैठ के बहुत प्रेम से खिलाया हो तो कहां जाएगा वो? क्या होगा उसका? आके अपना पूरा जीवन समर्पण करके कृष्ण भक्त बन के भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। ये सबसे बहुत पावरफुल, सबसे मजबूत माध्यम है प्रसाद से किसी को भक्त बनाना। फिर धीरे धीरे उनको, जैसे माता जी ने बताया, जप में अगर वो देखते हैं कि यहाँ सब बैठे सब सुबह में जप करते हैं तो उनको अपने आप, हम सब वैसे अनुकरण करते हैं,
हम जो भी सीखे बचपन से क्या सीखे, अनुकरण करके। हमारे माता पिता जो करते थे हम करने लगे, तो अनुकरण से हम जाप भी करते करना शुरू। फिर ये पठन, ये प्रभुपाद जी की किताबों का पठन कैसे होता है, ये प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ने से अपने आप, क्योंकि उसमें उन्होंने कितना परिश्रम किया है ये किताबों लिखने के लिए, दिन रात बिना सोए वो लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे। तो जब हमारे हृदय में उनके प्रति आदर होता है, सम्मान होता है, तो हमको लगता है इन्होंने इतनी मेहनत की है, चलो हम देख ले क्या लिखा है, उसमें कुछ तो अच्छा होगा। तो हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते ही सब ग्रंथ में, सब स्क्रिप्चर में जो लिखने वाला होता है या भगवान खुद हमको जो पढ़ता है उसको आशीर्वाद देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में शुरुआत में श्री व्यासदेव जी ने क्या बताया है, तम सर्वभूत हृदयेषु मुनिमानतोऽस्मि, मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आपके हृदय में कृष्ण भगवान प्रस्थापित हो। हमारे हृदय में कृष्ण भगवान की स्थापना करते हैं, वैसे परमात्मा के रूप में तो है ही, लेकिन हमको मालूम नहीं, हम फील नहीं करते। हम फील कर सकते हैं, हम अनुभव कर सके, वैसा आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है, ग्रंथिर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। हमारे जीवन में जो भी विघ्न है वो सब नाश होते हैं। यहां कौन है जिसके जीवन में एक भी विघ्न नहीं है, ऐसा कोई है? हाथ, सबके जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी के ये वो पुस्तक पढ़ने से अपने आप विघ्न के नाश हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की परम कृपा, अलग अलग रूप से हमको कृष्ण भगवान के साथ कैसे हम जुड़े डायरेक्टली प्रत्यक्ष, वो उनका प्रयत्न रहा है। क्यों क्यों उनके प्रयत्न ऐसा था, किसको मालूम है? क्योंकि वो सब हम सबके एवर वेल विशर, हमेश के शुभेच्छक थे। हम ऐसे सोचते हैं कि हम एक दूसरे के शुभेच्छक है, अभी हम सब बैठे हैं तो हम एक दूसरे के शुभेच्छक हैं, लेकिन हमने किसी को कुछ गलत बोला, गलत व्यवहार किया, तो एक क्षण में वो हमारी शुभेच्छा चली जाती है। लेकिन अगर प्रभुपाद जी के साथ हमने कुछ गलत व्यवहार किया, फिर भी हमारे हमेश के शुभेच्छक रहेंगे एंड रहे हैं, ये उनकी परम कृपा है। वो हमेशा उनके पत्र में नीचे लिखते थे, क्या लिखते थे? योर एवर वेल विशर। तो ये दूसरी उनकी है। तीसरी चीज क्या है श्रील प्रभुपाद जी की, उनके जीवन में एक भी क्षण नहीं ऐसा था जब वो कृष्ण भगवान को भूल गए हो। आप में से कोई ऐसा सत्य तह बोल सकता है कि मैं मेरे जीवन में एक क्षण भी कृष्ण भगवान को नहीं भूला, कोई है ऐसा? तो हम भूल जाते हैं, हम जब जब हम भगवान के भक्तों के बीच में होते तो हमको भगवान जरूर याद आते हैं, जैसे उनका संग चला जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे समक्ष एक उदाहरण है, प्रत्यक्ष
जिनको हम देखते हैं तो हमको याद आता है कि ये परम भक्त है जो भगवान को जीवन में एक भी क्षण भूले नहीं है। फिर और क्या है उनकी, हम हमारे प्रति जो आशीर्वाद और कृपा और क्या है, यह हम जो भी बैठे हैं हम एक परिवार जैसे हो गए हैं, कृष्ण भगवान के कृष्ण भावनामय परिवार, जो यहां उन्होंने लिखा है कि मैं यहां वृंदावन में बैठा हूं, मेरी पत्नी मेरी बच्चे सब है लेकिन मैं अकेला हूं। हम यहां अगर जैसे मैं अभी अकेला आया हूं डिट्रॉइट से, लेकिन मैं ऐसा फील नहीं करता कि मैं अकेला हूं। जिसको मिलूं सब हरे कृष्ण करते हैं, जिसको मिलूं प्रेम से बुलाते हैं। तो उन्होंने एक प्रेम के संबंध वाला पूरा परिवार हमारे लिए बनाया है। आप में से जो जो लोग वृंदावन के बाहर गए हो या भारत से बाहर गए हो, तो आप कहीं भी बड़े मंदिर में जाओ, वहां मंदिर है प्रभुपाद जी का, और वो मंदिर में जाओ आपको लगेगा हाँ, और कहीं पर जाओ तो लगेगा कि ये सब अलग है, बहुत अलग है, मुश्किल है, ये है वो, खाना नहीं अच्छा मिलता हमको चाहिए सब, ये नहीं वो, जो बोलते हम समझ नहीं पाते। जैसे मंदिर में गए वैसे क्या लगता है, हाँ घर आ गए। ये प्रभुपाद जी की परम कृपा है, पूरे विश्व में कहां पर भी जाओ हमें अपना कुटुंब का कोई ना कोई है ऐसा आविर्भाव होता है, ऐसा लगता है। तो ये हमारे पर प्रभुपाद जी ने कृपा की। तो उन्होंने खुद ने यहां लिखा है कि खुद ने ये सब मुश्किलों का सामना किया, बहुत परिश्रम किया। किसके लिए, हम सब के लिए। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। और हमारा मनुष्य होने का एक सामान्य धर्म है, क्या है, हमको जो भी किसी से मिला कम से कम उतना या थोड़ा ज्यादा उनको देना चाहिए। हमको प्रेम मिला तो उनको प्रेम देना चाहिए, हमको कुछ चीज मिली तो चीज हमको देनी चाहिए। ये मानवता का धर्म है, मनु संहिता में फिर से बताया गया है। अगर वो हम नहीं करे उसको क्या बोलते हैं, ऋण। अगर हम अपना ऋण प्रकट नहीं करें तो क्या होगा, किसको मालूम है, नहीं, पाप से क्या होगा, फिर उसका परिणाम क्या होगा, मनुष्य अवतार आपको नहीं मिलेगा। वो मनुष्य धर्म है, वो अपने पालन नहीं किया तो निचली योनि में आपका पतन होगा। तो प्रभुपाद जी ने उससे भी हमको बचाने के लिए, अगर हम कृष्ण भावना की सेवा, भगवान की सेवा में है, तो अगर भूल से भी कहीं पर ये चूक हो गया, हमारी भूल हो गई, तो हम क्योंकि कृष्ण भगवान की सेवा में है, जैसे मूल में पानी डालने से वृक्ष को पत्ते तक पानी मिलता है, कृष्ण भगवान की सेवा में जीवन समर्पण करने से अपने आप हमारे सब मानव धर्म परिपूर्ण होते हैं। ये प्रभुपाद जी की परम कृपा है कि हमको पतन से इतना सहजता से हमको बचा लिया है। खूब
बहुत परिश्रम किया हमारे लिए। तो आगे बढ़ेंगे, तीसरी पंक्ति, जैसे सागर जल के ऊपर का फैन फिर सागर में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। न कोई माता है, न पिता या निजी संबंधी, सागर के फैन की तरह वे सब अल्प काल तक रहते हैं। जैसे सागर जल का फैन फिर सागर में लीन हो जाता है, वैसे ही पांच तत्वों से बना यह शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है, उसके सारे संबंधी केवल उसके अल्पकालीन शरीर से संबंधित होते हैं। चार, किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु एक हर एक आपका संबंधी है, इस संबंध में माया की गंध नहीं होती। परम भगवान एक हर एक के आत्मा है, उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। बंधु आपके सभी संबंधी, सभी संख्यात जीव जय जब कृष्ण के संबंध से देखे तो सामंजस्यपूर्ण लगते हैं। कृष्ण की विस्मृति कर जीव इंद्रिय भोग चाहता है और परिणाम रूप वो माया में दृढ़ता से जकड़ा जाता है। तो हमने जो बात की उसका आगे डिटेल में यहाँ बताया गया है। एक बार अक्टूबर महीने में दिल्ली की यात्रा करने पर अभय को कविराज वैद्यनाथ सरकार से बैक टू गॉडेड की 1000 प्रतियां छापने के लिए अनुदान मिला। अभय ने तुरंत बैक टू गॉडेड का 20 अक्टूबर का संकरण प्रकाशित किया और उसके मुख पृष्ठ पर अनुदानकर्ता का नाम दिया। 2 वर्षों में बैक टू गॉडेड का यह पहला अंक था। एक दूसरे अनुदानकर्ता रामलाल कपूर एवं एंड सन्स के श्रीमान सुबोध कुमार कपूर थे, जिन्होंने श्रीमान सरकार के उदाहरण का अनुसरण किया और 20 नवंबर का अंक निकालने के लिए 1000 प्रति के लिए अनुदान दिया। नवंबर के अंक में मुख पृष्ठ का लेख था सत्य और सौंदर्य। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय में इस बात का विवेचन था कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे से सुसंगत है या नहीं, और यह मत प्रकट किया गया था कि सत्य सदैव सुंदर नहीं होता, वरन वह अधिकतर कुरूप और अप्रिय होता है। अभय असहमत थे। उनका कहना था कि सत्य इतना सुंदर है कि उसके निमित्त बहुत से ऋषियों, संतों और भक्तों ने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन अनादिकाल से हम सत्य के नाम पर असत्य से प्रेम करने के अभ्यस्त हो गए हैं। फिर भी अभय इस बात पर सहमत थे कि लौकिक सत्य और सौंदर्य सुसंगत नहीं होते। लौकिक सत्य न केवल सुंदर नहीं होता, वह सत्य भी नहीं होता। लौकिक सत्य सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है। अभय ने व्याख्या के रूप में एक कहानी का वर्णन किया। एक बार एक व्यक्ति का एक सुंदर लड़की से प्रेम हो गया। लड़की उससे विमुख बननी रही। जब उस व्यक्ति ने आग्रह किया तो लड़की ने उससे 7 दिन रुक जाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वह उसका प्रेम स्वीकार कर लेगी। अगले 7 दिन में लड़की ने तेज जुलाब की दवा का इस्तेमाल किया, फलतः उसे बार बार के और दस्त आए। इन्हें एक बाल्टी में रखती गई। इस प्रकार एक तथाकथित सुंदर लड़की दुर्बल काय होकर कंकाल मात्र रह गई। उसका रंग काला हो गया और सुंदर आंखें खोपड़ी के कोटर
में धस गई। प्रेमी व्यक्ति निश्चित समय पर खूब सज धरकर और सुशील बनकर गया और एक प्रतीक्षारत लड़की से जो बहुत खिन्न दिखाई देती थी उस सुंदर लड़की के बारे में पूछा जिसने उसे वहाँ बुलाया था। वह व्यक्ति पहचान नहीं सका कि प्रतीक्षारत लड़की वही सुंदर लड़की थी जिसके बारे में वह पूछ रहा था। वह बहुत दयनीय अवस्था में थी लेकिन वह मूर्ख मनुष्य लड़की के बार बार बताने पर भी उसे पहचान न सका। दवा के प्रभाव से ही यह सब हुआ था। उसका रूप बदल गया था। अंत में लड़की ने उस बलवान पुरुष को अपनी सुंदरता की कहानी बताई और कहा कि उसने अपनी सुंदरता के तत्वों को अलग करके उन्हें बाल्टियों में एकत्र कर दिया है। उसने यह भी कहा कि वह पुरुष बाल्टियों में एकत्र सुंदरता के रसों का आनंद ले सकता है। लौकिक प्रेम पागल पुरुष सुंदरता के रसों को देखने को सहमत हो गया और इस प्रकार वहां पहुंच गया जहां पतले दस्त और कई का ढेर जमा था जिससे असहनीय दुर्गंध निकल रही थी। इस तरह सुंदरता के रस की पूरी कहानी उसके लिए उद्घाटित हो गई। अभय ने बल देते हुए लिखा कि जो साहित्य श्री भगवान के परम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं करता वह कई और दस्त के बटकर नहीं है। चाहे वह काव्य और दर्शन के भी ही रूप में क्यों न प्रस्तुत किया जाए। मानस नैतिकता लेख में अभय ने व्याख्या की, नैतिकता ऐसे कार्य का मानदंड है जिससे श्री भगवान प्रसन्न हो। धर्मशास्त्रों में ऐसे नैतिक विधान है जो अवैध यौन संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन और द्रुत क्रीड़ा मना करते हैं। अभय ने कहा कि सार्वजनिक नेता के रूप में महात्मा गांधी की सफलता इन नैतिक सिद्धांतों के पालन के कारण ही थी। अभय ने विवाह की वैदिक प्रथा की भी प्रशंसा की। यौनारंभ होने पर एक स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है और यदि उस अवधि के बीच उसका विवाह नहीं कर दिया जाता और उसे युवा लड़कों से मिलने जुलने दिया जाता है तो या तो उस लड़की का या युवा लड़के का पतन संभवित है। परिवर्तित होती हुई सामाजिक परिस्थितियों में भी अभय का तर्क था कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे के साथ अविवाहित संबंध केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि सामाजिक परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि स्त्री के साथ अवैध संबंध सारी अनैतिकता की शुरुआत है। भ्रांत विद्वान लेख में अभय ने डॉक्टर राधा कृष्ण के द्वारा संपादित भगवद गीता के संकलन की कड़ी आलोचना की, विशेषकर नवम अध्याय के 34वें श्लोक की जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उनका सदैव चिंतन करना चाहिए और उनका भक्त होना चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्ण की टिप्पणी थी कि यह अवतारी कृष्ण नहीं है जिनके प्रति हमें पूर्णतः समर्पित होना है, वरन उसके प्रति जो अजन्मा, अनादि और शाश्वत है और जो कृष्ण के माध्यम से बोलता है। यद्यपि भगवद गीता का स्पष्ट अर्थ यही है कि हमें परम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्ण की तरह निर्विशेषवादी लोग इस स्पष्ट अर्थ को अपने वाक जाल के अस्पष्ट कर देते हैं।
श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री के तिरोधान दिवस पर अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के वियोग की तीव्र अनुभूति हुई। वे भली भांति समझते थे कि भक्ति सिद्धांत के उद्देश्य उनकी भौतिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण थे और यही यह कि उसके उनके आध्यात्मिक गुरु वस्तुतः अपने उपदेशों में उपस्थित थे। इस प्रकार अभय सदैव ही अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ रहे। तभी उस पुण्यतिथि पर अभय की वियोग की अनुभूति हुए बिना न रही। उन्हें याद आया कि किस तरह 1932 में वे गृहस्थ और नए शिष्य थे। उस समय वे इतनी सेवा करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे जितने आज है, किंतु उन्हीं दिनों में वे अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रत्यक्ष देख सके थे। उनके समक्ष प्रणति निवेदन कर सकते थे, उनके प्रसाद का उच्चिष्ट ग्रहण कर सकते थे, उनके साथ चल सकते थे, उनकी आवाज़ सुन सकते थे और उनकी कृपा दृष्टि पा सकते थे। अभय को उनसे अपने मिलने के अवसरों की याद आ गई। श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री का मिशन कितना जोरदार था। उनके छापखाने रात दिन चलते रहे। उनसे पत्रिकाएं, पुस्तकें और दैनिक नदिया प्रकाश पत्र निकलते रहे और योग्य प्रचार के लिए संभावनाओं से पूर्ण एक नया क्षेत्र था। श्री भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर के संचालन में गौड़ीय मठ ने माया की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था और श्री भक्ति सिद्धांत ने अपने सभी भक्तों की को निर्भय बना दिया था। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे। वे गौड़ीय मठ के मुख्यालय कलकत्ता में रहकर सेवा करना चाहते थे, लेकिन वे सेवा कैसे करें इसका ठीक पता उन्हें नहीं था। जब तक कि श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री महाराज का अंतिम पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो गया था। तो यहाँ हमको श्रील प्रभुपाद जी की ये लीलामृत से सबसे मुख्य, सबसे इम्पोर्टेंट आदेश मिलता क्या है। सबसे पहला आदेश क्या है कि सबके लिए गुरु होना आवश्यक है। क्यों, किसी को मालूम है गुरु होना क्यों आवश्यक है? गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं मिलता और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते और दिव्य ज्ञान प्रकाश होता है। सो हर रोज सुबह में हम मंगलारती के समय क्या गाते हैं प्रभुपाद समाधि में, जो प्रार्थना है उसमें गुरु की महिमा है। फिर गुरु पूजा में जो गाते हैं उसमें भी गुरु की महिमा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहला गुरु कौन है और गुरु किसको होना चाहिए, जो उनके शिष्य को भगवान के पास ले जा सके, उनसे संबंध बना सके। तो प्रभुपाद जी कितने आतुर थे, जैसे कोई भी माँ होती है अपने बच्चे के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके जीवन में सुख शांति मिले उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे के वैसे
श्री प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतने सारे रास्ते बनाए ताकि उसमें से एक हम पकड़ सके और भगवान के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। हमारा प्रत्यक्ष संबंध कृष्ण भगवान के साथ हो सके। कृष्ण भगवान कौन है? सुप्रीम पावर है। और क्या है हमारा संबंध? दास हम हैं उनका। और हमारे पिता है। आप सब में से जो भी भाग्यशाली है सब ने अपने माता पिता का प्रेम प्राप्त किया है। तो ये तो एक ही जन्म के लिए माता पिता है। कृष्ण भगवान तो अनेक जन्मों से हमारे माता पिता है। भगवत गीता में क्या बताते हैं? अहम बीज प्रत पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। वो खुद बताते हमको, लेकिन हमारी समझ में इतनी आसानी से नहीं आता। हम भूल गए हैं, हम भूल गए, लेकिन वो पिता भूले नहीं है। आप में से किसी का बच्चा कभी खो गया था भीड़ में, मेले में और कहीं पर भी? थोड़ी क्षणों के लिए ऐसा अनुभव किसी को हुआ है? हाँ, तब जो माता या पिता की व्याकुलता होती है वो बहुत दुखद होती है। और माता या पिता अपने बच्चे को प्राप्त करने के लिए क्या बोलता है, क्या बोलते हैं? आप मेरा बच्चा वापस ला दो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। हाँ, ऐसा कभी देखा है या सुना है कि माता अपने बेटी को खोकर रो रही है? हाँ, खाली सोचना कि किसी माता की बच्ची छोटी 2-5 साल की खो गई हो, उसकी व्याकुलता कितनी होती है। हाँ, वो जो भी उनकी बच्ची को ले आएगा वापस, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी हम सबको, हम खोए हुए बच्चे हैं कृष्ण भगवान के, हम सबको कृष्ण भगवान के साथ वापस ले जाने के लिए तैयार है। उससे कृष्ण भगवान कितने प्रसन्न हो गए। और हमको बताया कि जैसे मैं ले जा रहा हूं, आप सब भी ये काम कर सकते हो। तो आपके प्रति भी कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये प्रभुपाद जी की परम कृपा है। श्री प्रभुपाद की धन्यवाद।